शॉर्ट आंसर ये थे टू, फर्स्ट वन, सेकंड वन 5.2, 5.3 देखें, पढ़ें जरा 5.3 क्या है, पढ़ें, चलें ये बुक आगे देखते हैं 5.3 शॉर्ट। What is meant by moment of inertia? Explain its significance. Answer number 3. Moment of inertia kya hai? Aur iski significance batayein, importance batayein. Product of mass and square of its perpendicular distance. Product of mass and square of its perpendicular distance from axis of rotation. From axis of rotation, product of mass and square of its perpendicular distance from axis of rotation called moment of inertia I equals to mr square. Is SI unit किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर है आपको बताया था, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पार्ट शॉर्ट आंसर का ये है कि व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को कहते हैं, यहां पे एडिंग दी सिग्निफिकेंस of moment of inertia, इसकी importance या significance क्या है? ये देखें दो equation लिखी है, F equals to ma and torque equals to I alpha. F equals to ma और torque equals to I alpha. Comparison किया, F की जगह torque, एक की जगह अल्फा और मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिग्निफिकेंस में लिखते हैं रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन, रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन सिमिलर टू रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन सिमिलर टू रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन। मास का जो रोल लीनियर मोशन में है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोशन में है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। 5.4 अभी नहीं पढ़ा, ये रिलेटेड है नेक्स्ट पोर्शन से, इसलिए पहले पोर्शन से ये तीन चार आंसर हुए, चौथे से फिर नेक्स्ट पोर्शन शुरू हो जाता है। न्यूमेरिकल देखते हैं 5.1, न्यूमेरिकल 5.1 यही हमने करना है कि आप पहले क्वेश्चन के शार्ट न्यूमेरिकल साथ ही कर रहे हैं। थ्योरी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक पढ़ी, शार्ट हमने पहले तीन किए, आप न्यूमेरिकल देखते हैं। 5.1 लेदर बीम डायमीटर एस इज इक्वल टू, डायमीटर एस इक्वल टू 2.50 मीटर,
उसके बाद लिखते हैं कि थीटा बताएं अगर स्मॉल आर इक्वल्स टू 3.8 मीटर डिस्टेंस हो तो थीटा बताएं। तो आपने ये प्रूफ पढ़ा s इज इक्वल टू r थीटा, s इज इक्वल टू r थीटा, थीटा इक्वल्स टू s ओवर r, s की जगह 2.50 और r 3.8 एस की जगह 2.50 और आर 3.8 पहले इस पार 8 6.6 पहले इस पार -9 और एंगल की यूनिट रेडियन है 6.6 पहले इस पार -9 और एंगल की यूनिट रेडियन है। नंबर टू न्यूमेरिकल 5.2 5.2 न्यूमेरिकल है कि ग्रेविटी कार एक्सेलरेट वहां पर एस क्यूब पे घूम रहा है, एस से स्टार्ट किया तो ओमेगा आई जीरो है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई इनिशियल एस से स्टार्ट हो जीरो है, बाद में ये बन जाती है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट ओमेगा एफ 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसकी जो यूनिट होती है एसआई वो रेडियन पर सेकंड होती है, इसलिए रेवोल्यूशन पर मिनट के रेडियन पर सेकंड बनाएंगे। ओमेगा इक्वल्स टू 45 क्रॉस 2 पाई, रेवोल्यूशन के रेडियन बनाने हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई, और पर मिनट के पर सेकंड बनाने हैं तो 60 में डिवाइड 45 क्रॉस 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। इस तरह से ओमेगा एफ आ जाती है 1.5 रेडियन पर सेकंड, 1.5 पाई रेडियन पर सेकंड। ये पाई यहां पे 3.1 बोल रहा है, ओमेगा आई आ गई ओमेगा एफ टाइम दिया हुआ है 1.60 सेकेंड, टाइम टी इक्वल्स टू 1.60 सेकेंड। पूछा क्या है कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताएं, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये बताना है। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं वो होती है बी एफ बराबर है बी आई प्लस ए टी, यहाँ पे वी एफ की जगह ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस ए की जगह अल्फा टी, वी एफ की जगह ओमेगा एफ, वी आई की जगह ओमेगा आई, ए की जगह अल्फा टी। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है, तो पहले न्यूमेरिकल में एक्स इज इक्वल, दूसरे न्यूमेरिकल में फर्स्ट इक्वेशन एंगुलर फॉर्म है ओमेगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, 5.0 ले लिए, लेकिन 5.0 में एंगुलर मोमेंटम का जिक्र है अभी हल नहीं होगा, तो पहले दो न्यूमेरिकल ही होंगे। तो आप थ्योरी देखें, थ्योरी हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक पढ़ी, शार्ट पहले 3 किए, न्यूमेरिकल पहले 2 किए, अब थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक है। थ्योरी का नेक्स्ट टॉपिक जो आज पढ़ेंगे 5वें में वो है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए सबसे पहले तो बार बार मैंने आपको ये समझाया किसी भी लीनियर को जब एंगुलर में बदलते हैं
उसके साथ एक वर्ड मूवमेंट लगा देते हैं, मिसाल के तौर पे मूवमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, मूवमेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। शार्ट्स की डेफिनेशन तो ये है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल एरो डालते हैं, इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। आर यहां पोजिशन वेक्टर है, पी यहां लीनियर मोमेंटम है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनी प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। अच्छा, अब आप देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर है? मैंने आपको कहा जहां थीटा है, जहां ओमेगा है, जहां अल्फा है, जहां टॉर्क है। इधर गौर से देखिए, मैं अगर लिखूं ना एफ है, एस है, वी है, ए है और पी है, इन सब की डायरेक्शन सेम है। एफ फोर्स, एस डिस्प्लेसमेंट, वी वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, पी मोमेंटम। यहां लिख देता हूं एफ है, एस है, बी है, ए है, पी है, सब की डायरेक्शन सेम है, लीनियर मीन स्ट्रेट लाइन में। फोर्स एफ डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स ईस्ट में है डिस्प्लेसमेंट ईस्ट में है, वेलोसिटी ईस्ट में है, एक्सेलरेशन ईस्ट में है, मोमेंटम ईस्ट में है। इस चैप्टर में क्या होता है? इस चैप्टर में टॉर्क है, थीटा है, ओमेगा है, अल्फा है और कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम है। एफ की जगह टॉर्क, एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा और लीनियर मोमेंटम पी की जगह एंगुलर मोमेंटम। आपको याद होगा इसी चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, थीटा की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैंने बताया था इसको राइट हैंड रूल से मेजर करते हैं, उंगलियों की कर्ल रोटेशन है और थंब एंगुलर मोमेंटम थीटा ओमेगा अल्फा टॉर्क। मैंने मिसाल दी थी कि अगर फैन घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, थीटा की डायरेक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो घूमते हुए नीचे गिर जाए तो फिर यूं थंब बताते हैं कि ये नीचे गिर रहा है पंखा और ये घूम रहा है, इसका मतलब ये उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और थंब बता रहा है इधर जा रहा है। इट इज कॉल्ड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थीटा हो, ओमेगा हो, अल्फा हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, सब की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आर की यूनिट मीटर होती है और मोमेंटम की यूनिट न्यूटन न्यूटन सेकंड होती है। देख रहे हैं मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड, आर की मीटर। अब ये न्यूटन मीटर इकट्ठा करें, इसे जाउल बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जाउल सेकंड है, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट जाउल सेकंड है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मजीद बढ़ाएं तो क्रॉस हटा दें, क्रॉस हटा दें तो कैपिटल एल वेक्टर इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा यूनिट वेक्टर है। चैप्टर टू वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था।
कि वेक्टर फॉर्म में इधर एरो है उधर यूनिट वेक्टर एन डायरेक्शन के लिए। अगर आपसे ये कोई पूछे कि यूनिट वेक्टर एन किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम की। वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरह है, वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर की साइन थीटा आएगा, इधर से एरो हटा दिया उधर से यूनिट वेक्टर एन हटा दिया, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म है आर की साइन थीटा। तवज्जो देते हैं आर की साइन थीटा। अच्छा अब आप गौर करेंगे, अगर थीटा मैक्सिमम है, थीटा 90 डिग्री है, तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम है। थीटा 90 डिग्री है तो एंगुलर किस किस के दरमियान थीटा 90 है, आर और पी में। अगर आर और पी में एंगल 90 है तो एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम है। इस मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं एल नॉट। एल नॉट इक्वल्स टू आर पी, ये साइन 91 होगा। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम एल नॉट इक्वल्स टू आर पी साइन 91 होगा। अब ये आप मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन लिख रहे हैं, तो बेटे शुरू से हम पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा कि एस इज इक्वल टू आर थीटा था, बी इज इक्वल टू आर ओमेगा था, ए इज इक्वल टू आर अल्फा था। यानी एस और थीटा को आर रिलेट कर रहा है, बी और ओमेगा को आर रिलेट कर रहा है, ए और अल्फा को आर रिलेट कर रहा है। एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर, बी लीनियर, ओमेगा एंगुलर, ए लीनियर, अल्फा एंगुलर। अब आपके सामने यहाँ कैपिटल एल आर पी आ रहा है, इसका मतलब एंगुलर और लीनियर को फिर आर रिलेट कर रहा है। एस और थीटा को रिलेट करने वाला आर, बी और ओमेगा को रिलेट करने वाला आर, ए और अल्फा को रिलेट करने वाला आर। तो लीनियर मोमेंटम पी और एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल को भी रिलेट आर ही कर रहा है, जिसको पोजिशन वेक्टर भी बोलते हैं, जिसको रेडियस भी बोलते हैं, जिसको मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं। आप देखिए थीटा और एस में आर क्या था, मूवमेंट आर्म था। वी और ओमेगा में आर क्या था, रेडियस था, मूवमेंट आर्म था। ए और अल्फा में आर क्या था, रेडियस था, मूवमेंट आर्म था। इसी तरह एल नॉट इक्वल्स टू आर पी है, यहाँ पी को एम भी लिख रहे हैं, पी होता ही एम भी है चैप्टर 3 के मुताबिक। अगर पी एम भी है तो एल नॉट इक्वल्स टू आर एम बी, आर एम बी, ये पी की वैल्यू कुछ भी है। अब ये बात याद रखें कि एक तरफ आप एंगुलर लिख रहे हैं और दूसरी तरफ आप बी लिख रहे हैं, आर एम बी। ये नहीं हो सकता, अगर इधर एंगुलर है तो उधर एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, ये लीनियर आ रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी कि मैं बी को आर ओमेगा लिखूं। अभी ऊपर लिखा भी है, प्रूफ भी है, बी को आर ओमेगा लिख दो। फिर सुनो, आर एम बी है लेकिन B को हमने ओमेगा में चेंज किया और R ओमेगा लिख दिया। जब मैं B को R ओमेगा लिख दूं तो L नॉट इक्वल्स टू R M R ओमेगा, R M R ओमेगा। यहाँ ये M R स्क्वायर बन रहा है, R M R ओमेगा, यहाँ M R स्क्वायर बन रहा है। तो L नॉट इक्वल्स टू M R स्क्वायर ओमेगा, L नॉट इक्वल्स टू एम आर स्केयर ओमेगा। आपको याद होगा अभी भी लिखा है आज आते ही कि एम आर स्केयर तो आई होता है, आई मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो L नॉट आल्सो इक्वल्स टू आई ओमेगा। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आल्सो इक्वल्स टू आई ओमेगा। फिर देखें, मैं दोबारा एंगुलर मोमेंटम बोलता हूं, गलत तवज्जो दें। मैंने सबसे पहले कहा कि इसे मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। आपने बेटा याद रखना है कि किसी भी लीनियर के साथ जब आप एक वर्ड मूवमेंट लगा देते हैं तो वो एंगुलर बन जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, तो ये एंगुलर मोमेंटम है। फिर मैंने इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखी, प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। आर यहां पोजीशन वेक्टर है, पी यहां लीनियर मोमेंटम है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है।
इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहां थीटा टॉर्क ओमेगा अल्फा सब की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसकी यूनिट आर की यूनिट मीटर, मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर इकट्ठा किया तो जूल सेकंड बना, जूल सेकंड इसकी यूनिट है। इधर से एरो लगाया, इधर से यूनिट वेक्टर एन, अगर एरो हटा दें तो यूनिट वेक्टर एन नहीं आएगा, आर की साइन थीटा, थीटा 90 ले तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आता है एल नॉट इक्वल्स टू आर पी, पी को एम पी लिख दें तो एल नॉट इक्वल्स टू आर एम पी, अब बी को आर ओमेगा लिख दें तो एल नॉट इक्वल्स टू आर इनटू एम आर ओमेगा, दो आर आ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो रूट हुआ एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा, एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा। तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आया, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन आया वो बन रहा है एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा। अब देखिए बेटा, आप एक तरफ एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा लिखें और इधर लिख दें पी इक्वल्स टू एम पी, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। क्या कंपैरिजन होगा कि b की जगह ओमेगा ने ली, b लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, मास की जगह i ने ली, मास लीनियर मास, i रोटेशनल मास, और लीनियर मोमेंटम b की जगह एंगुलर मोमेंटम ने ली। अब आप इसकी बिग एक्सप्लेन करते हैं, बिग में आप ये लिखिए और से कि ये o पॉइंट है और यहां से o से लेकर x पॉइंट तक पोजीशन वेक्टर r है और यू लीनियर मोमेंटम बी है। सबसे पहली बात मैंने इस डायग्राम में ये कही कि ओ इस वक्त ओरिजिन है, ओ इस वक्त ओरिजिन है, आर जो है आर वो पोजीशन वेक्टर है, पी लीनियर मोमेंटम है, लेकिन क्या मैं इस ओ को पिवट बोल सकता हूं, क्या मैं इस आर को मोमेंट आर्म बोल सकता हूं? हाँ, एक सूरत में मैं ओ को पिवट और आर को मोमेंट आर्म बोलता अगर ओ और एक्स और आर यू लीनियर मोमेंटम होता, 90 के एंगल पे होता। अगर लीनियर मोमेंटम 90 के एंगल पे होता मैं इस आर को मोमेंट आर्म बोल देता और मैं इस ओ को पिवट बोल देता। तो सर यहां जो किताब में गिवन है वहां लीनियर मोमेंटम बच्चे देखिए 90 के एंगल पे नहीं है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम ओ के साथ 90 के एंगल पे नहीं है, इसलिए ओ को मैंने ओरिजिन और आर को मैंने पोजीशन वेक्टर बोला। हाँ, अगर ये लीनियर मोमेंटम बी, बार बार इसलिए बोलता हूं बात समझ आए, अगर लीनियर मोमेंटम बी ओ के परपेंडिकुलर होता मैं कहता ओ ओरिजिन नहीं है, ओ पिवट है, और मैं कहता आर पोजीशन वेक्टर नहीं है, आर मूवमेंट आर्म है। अब इस फिगर में गौर करें, अगर पी 90 के एंगल में नहीं है तवज्जो दें, इस पाथ को एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि ये एंगल थीटा बन जाए बी को, करने क्या जा रहे हैं, कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। कंपोनेंट क्यों बनाना चाहते, इसलिए बनाना चाहते हैं कि मोमेंटम ओ के परपेंडिकुलर नहीं है, अगर मोमेंटम ओ के परपेंडिकुलर होता कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं थी। अब मोमेंटम का एंगल थीटा है, कंपोनेंट बनाए, सामने बना परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बना, इसको लिख दिया पी साइन थीटा, सामने बना परपेंडिकुलर, इसको लिख दिया पी साइन थीटा, ये बनी बेस पी कॉस थीटा, दो कंपोनेंट बन गए, एक पी साइन थीटा दूसरा पी कॉस थीटा। सर कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या हुआ, कंपोनेंट बनाने का फायदा ये हुआ कि पी साइन थीटा जो है वो ओ के परपेंडिकुलर आ गया, पी साइन थीटा ओ के परपेंडिकुलर आ गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ अगर पी रहने देते, पी कंपोनेंट ना बनाते, पी रहने देते तो ओ ओरिजिन और आर पोजीशन वेक्टर था,
लेकिन अगर p की बजाय कंपोनेंट p sin थीटा की बात करें तो अब p sin थीटा के लिहाज से o पिवट है और r मूवमेंट आर्म है। और करें बात जैसे आप फोर्स के कंपोनेंट बना के तार ले रहे, यहां आप मोमेंटम के कंपोनेंट बना रहे हैं। फिर सुने मेरी बात को, फिर सुने, अगर मैं सिर्फ e की बात करूं तो o ओरिजिन और r पोजीशन वेक्टर है, और अगर मैं p sin थीटा की बात करूं तो o पिवट और r मूवमेंट आर्म है। एंगुलर मोमेंटम बना r मूवमेंट आर्म इनटू e का कंपोनेंट p sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट चुना है? जो o के साथ 90 के एंगल पे है। इस तरह एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा r e sin थीटा। इसी को आगे सॉल्व किया था, तो डायग्राम में ये बात समझना जरूरी कि भाई अगर p o के परपेंडिकुलर है फिर बेशक कंपोनेंट ना बनाए, लेकिन अगर p o के परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर दो कंपोनेंट बने, एक p sin और एक p cos। p sin o के परपेंडिकुलर है, इसलिए कैपिटल l इक्वल्स टू r p sin थीटा बना। और इसको फिर आपने थीटा को 90 लिख के एल नॉट बोल दिया आर पी, फिर आपने पी को एम बी लिखा, पहले भी सॉल्व किया, और बी को आर ओमेगा लिखा, जिसके बाद आंसर आया एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा। एंड पे चलते हैं, लास्ट पे दो तरह के एंगुलर मोमेंटम है, एक को बोलते हैं आर्बिटल, दूसरे को बोलते हैं स्पिन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी स्टेटमेंट पहले को इसे एल नॉट पढ़ते हैं, एल ओ पढ़ते नॉट है, एन ओ डबल टी, एल नॉट, एल ओ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी का, रोटेट करती हुई बॉडी का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती, यहां में फिग बनाए तो सेंटर ऑफ सन है यहां पे ओ, ये अर्थ का ऑर्बिट है, यहां अर्थ रिवॉल्व कर रही है अर्थ, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये रेडियस है, ये रेडियस है ओ से। कहते हैं आपको पता है कि अर्थ का साइज कम है जबकि रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में रेडियस ग्रेटर होता है साइज ऑफ बॉडी से, रेडियस ग्रेटर होता है, यानी सन और अर्थ के दरमियान गैप ज्यादा है, अर्थ का साइज थोड़ा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। दूसरी ऑप्शन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसको एल एस बोलते हैं स्पिन, एस पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसे कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए स्पिनिंग बॉडी। जैसे बेटा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती, और बेटे आपको ये होना चाहिए कि जब अर्थ अपने एक्सिस के इर्द गिर्द अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो ये रेडियस है अंदर, तो अर्थ के अंदर रेडियस आ जाए। हालांकि यहां सन और अर्थ का रेडियस ज्यादा था, अर्थ का साइज कम था, लेकिन जब वो स्पिन करती तो अर्थ जब स्पिन करती है तो अर्थ के बॉडी के साइज के अंदर रेडियस आ जाता है, इसलिए कहते हैं कि स्पिन में रेडियस कम होता है साइज ऑफ बॉडी से। आप पूछते हैं कि ऑर्बिटल क्या है? आप कहो ऑर्बिटल है किसी और के इर्द गिर्द घूमना, किसी और, जैसे अर्थ का सन के इर्द गिर्द घूमना,
स्पिन क्या है, अपने एक्सिस पे घूमना। दूसरा वर्ग, दूसरा वर्ग ये है कि ऑर्बिटल में रेडियस ज्यादा है, साइज ऑफ बॉडी कम है, और स्पिन में रेडियस कम है और साइज ऑफ बॉडी ज्यादा है, क्योंकि अर्थ के अंदर रेडियस आ। मैं एक और मिसाल देता हूं, देखें आप म्यूजिकल चेयर जब खेलते हैं तो सेंटर में चेयर रख के उसके इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, ये ऑर्बिटल है। और अगर एक आदमी अपनी एक टांग पे घूम रहा है तो ये स्पिन है। अगर पूरी बॉडी लेके चेयर के इर्द-गिर्द घूम रहा है, ये ऑर्बिटल है। और अगर अपनी एक टांग पे घूम रहा है तो ये स्पिन है। स्पिन में बॉडी का साइज ज्यादा और रेडियस थोड़ा होता है। ऑर्बिटल में जब वो चेयर के इर्द-गिर्द घूम रहा है, रेडियस ज्यादा होता है और साइज ऑफ बॉडी कम होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एंगुलर मोमेंटम। मैंने आपसे ये स्पिन का दोबारा एक बार रिपीट कर दे, ये क्या कह रहे, क्या कह रहे, दोबारा बोले सर। ये स्पिन वाला टॉपिक दोबारा एक बार रिपीट करना। स्पिन, स्पिन, स्पिन का मतलब है अपने एक्सिस पे घूमना। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, यूं अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है। यूं जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसकी बॉडी के अंदर रेडियस आ। आज जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसकी बॉडी के अंदर रेडियस आ। लेकिन जब आप किसी के इर्द-गिर्द घूमती है तो फिर रेडियस ज्यादा है और आपकी बॉडी कम है, साइज कम है। जैसे सन के इर्द-गिर्द घूम रही है तो ये दोनों में फर्क है कि एक में रेडियस साइज ऑफ बॉडी से ज्यादा है, एक में रेडियस साइज ऑफ बॉडी से कम है। जी कोई और बात सर? जी ये मैथमेटिकल फॉर्म समझा रहे हैं दोबारा। मैथमेटिकल फॉर्म बड़ी सीधी सी है कि हमने आर क्रॉस ई तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, यहां से तो काम शुरू हुआ है। आर क्रॉस ई, जब आर क्रॉस ई है तो क्रॉस हटाए आर की, साइन थीटा, थीटा 90 ले लो तो आर की साइन 91 होता है। ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आया है, ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आया है आर पी। जब आप साइन 90 को 1 कर देते हैं तो मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम आ जाता है आर पी यहां पे। फिर देखें थीटा 90 आर पी रह गए, फिर ई को आपने एम बी लिखा हुआ है चैप्टर 3 9th में भी पढ़ा है। बी को आपने आर ओमेगा लिखा है इसी चैप्टर में पढ़ा है। बी की जगह आर ओमेगा और पी की जगह पुट कर रहे हैं तो ये क्या बना, एल नॉट इक्वल्स टू आर पी की जगह एम बी, पी की जगह एम बी, आर एम और बी की जगह आर ओमेगा। तो आप दोनों आप जरा देंगे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा, और अगर एम आर स्क्वायर है तो वो आई है, आई मीन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एल नॉट इक्वल्स टू आई ओमेगा प्रूफ हुआ। जी कोई और पॉइंट, कोई और पॉइंट? ओके अल्लाह।